नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। पिछले कई दिनों से हमें लगातार लोअर सर्किट देखने को मिल रहा था GTL इंफ्रा में, लेकिन यहाँ पे 20 जनवरी से क्या हुआ, हमें शेयर जो है कि अच्छा खासा बाउंस बैक करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जब लोअर सर्किट लगा था, यहाँ पर बहुत से लोगों ने अपना प्रॉफिट जो है कि बुक कर लिया था, क्योंकि बहुत से लोगों का यहाँ पर अपना प्रॉफिट का जो टारगेट है वो टारगेट नज़र आने लगा था। तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया था। फिर से क्या हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे तो 20 जनवरी के बाद से हमें जो है कि अच्छा खासा हमें शेयर बाउंस बैक करता हुआ नज़र आया है। तो ये जो बाउंस बैक किया है और यहाँ पे जो अपर सर्किट अभी लगा है, ये अपर सर्किट कितने ऊपर तक जा सकता है उसके ऊपर आज हम एनालाइज करने वाले हैं। और GTL इंफ्रा में क्या यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन रखना सही है या फिर गलत है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है GTL इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर होल्डर्स के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ज़रा आप डे एंड सेशन का लॉकिंग प्राइस के ऊपर नज़र डालेंगे तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे 2.25 रुपये इसका वैल्यू है। जी हाँ दोस्तों, 2.25 रुपये पे ये लॉक हुआ है। और अगर इसका टोटल हाई लो और यहाँ पे जो ओपन प्राइस अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे प्रीवियस क्लोज है। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस क्लोज अगर आप देखेंगे 2.15 रुपये, तो यहाँ पर लो कितना 2.05 रुपये, मतलब प्रीवियस क्लोज यहाँ पे जो है कि वो यहाँ पे लो नहीं था। मतलब इस शेयर में आज के डेट पे यहाँ पे हमें लो हाई, लोअर सर्किट अपर सर्किट दोनों ही देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे अच्छी बात है। लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ, मतलब यहाँ पे जो अभी हमें प्राइस लॉक करता हुआ दिखाई दिया है, अच्छा खासा रेवेन्यू के साथ हमें जो है कि इंक्रीज पॉइंट के साथ मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। परसेंटेज की अगर हम बात करें 4.65% का यहाँ पे हमें इंक्रीज पॉइंट के साथ पर शेयर हमें 10 पैसे का रेवेन्यू जनरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और 52 वीक हाई की बात करें तो 52 वीक हाई आप देख सकते हैं 4.05 रुपये। तो 4.05 रुपये अभी तो यहाँ पे क्रॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 4.05 रुपये जो है कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो 52 वीक हाई को अभी हम छोड़ देते हैं, लेकिन 52 वीक लो की बात करें तो यहाँ पर हाई और लो में जो डिफरेंस है बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपने कभी सोचा है कि यहाँ पे 52 वीक लो में किसी ने यहाँ पे ख़रीद के 52 वीक हाई में बेच दिया, तो मान सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे उसका प्रॉफिट हुआ होगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 52 वीक हाई और लो में बहुत ही ज़्यादा है। इससे हमें पता चलता है ये जो शेयर है हमें शॉर्ट टर्म में बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता हुआ नज़र आया है। ठीक है, हालाँकि यहाँ पर हमें जो है कि मार्केट डेप्थ बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, GTL इंफ्रा एक समय में बहुत ही अच्छा, मतलब मार्केट पकड़ के रखा हुआ था, बहुत ही अच्छा यहाँ पे मार्केट में चल रहा था। लेकिन जो चाइनीज़ कंपनी है वो यहाँ पे आने के बाद हमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। उसके बाद जो है कि आप अगर देखेंगे मैक्सिमम पे तो 2018 में यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड करता हुआ, लेकिन उसके बाद जब चाइनीज़ कंपनी इंडिया में आ गया, उसके बाद हमें धीरे धीरे लोअर सर्किट लगने और दिखाई दिया, लोअर सर्किट लगने लगा। यहाँ पे क्या हुआ, GTL जो है कि यहाँ पे कंपटीशन में ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। उसके बाद यहाँ पे जब कोरोना का टाइम आया, जी हाँ दोस्तों, कोरोना के वक्त में हमें GTL को एक और चांस मिल गया, जब चाइनीज़ कंपनी को यहाँ पे थोड़ा बहुत बैन किया गया, मतलब बहुत ज़्यादा कमा दिया गया, ठीक है, चाइनीज़ प्रोडक्ट को। तो उसके बाद GTL ने क्या किया, बाउंस बैक करता हुआ हमें नज़र आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जुलाई में 2021 में क्या हुआ, 30 तारीख को हमें बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज पॉइंट देखने को मिला। उसके बाद से ये जो शेयर है सबके नज़र में आया और उसके बाद हमें जो है कि धीरे धीरे यहाँ पे अपर सर्किट की ओर दिखाई दे रहा है और अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहा है ये बहुत सारा इन्वेस्टर। तो यहाँ पर क्या लॉन्ग टर्म विज़न रखना सही है या फिर गलत है, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप GTL इंफ्रा की देखें तो बहुत दिनों से यह कंपनी
यहाँ पे हमें लॉस मेकिंग कंपनी है, एक तो यहाँ पे ये बात हो गया, क्योंकि इसका जो डेप्थ है बहुत ही ज़्यादा है, मार्केट से बहुत ज़्यादा इसका उधार लिया गया है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म विज़न जो रख रहा है तो कोई और शेयर हो तो अच्छा है, क्योंकि ये जो GTL है हमें बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में दिखाई दे रहा है। तो इतना ज़्यादा डेप्थ के साथ अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए विज़न रखेंगे तो हमें नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रेवेन्यू जनरेट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और रिस्की हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म विज़न रखने से वाले को मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप किसी और शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट डेप्थ है आपको कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। और एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि टेलीकॉम सेक्टर में जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1G जब इंटरनेट आया था उसके बाद जो 2G आया, 2G के बाद जब 3G आया, 3G और 4G, ये जो तीनों स्टेज था, स्टेज में बहुत ही ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिला था, मतलब गैप। इंटरनेट के बाद जब 2G आया था बहुत ही ज़्यादा उसमें गैप था, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के बाद, करीब 2 से 3 साल वहाँ पे लग गया था। और जब 2G के बाद 3G आया वहाँ पे भी हमें 2-3 साल के फ़र्क दिखा था, और 3G के बाद जो 4G आया वहाँ पे भी हमें अच्छा खासा फ़र्क दिखा था। लेकिन 4G के बाद जो 5G आने का न्यूज़ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है कि हमें ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही अगर टेलीकॉम सेक्टर में टेक्नोलॉजी बढ़ता ही गया तो 6G भी अगर आ जाए तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी इतना जल्दी बिल्ड हो रहा है तो यहाँ पे भविष्य में क्या हो सकता है, यहाँ पे जो टावर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो बंद भी हो सकता है, क्योंकि टावर का यहाँ पे ज़रूरत नहीं भी पड़ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नया एक न्यूज़ आया था जिसके अकॉर्डिंग इलॉन मस्क क्या करना चाह रहा था, इंडिया में अपना इंटरनेट लेके आना चाह रहा था, क्या होगा वो टावर के थ्रू नहीं, वो डायरेक्ट सैटेलाइट से अपने फ़ोन में आप इंटरनेट को यूज़ कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मतलब इतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी था। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि धीरे धीरे ये जो टावर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बहुत ही डिमांड कमने वाला है, मतलब लॉन्ग टर्म विज़न के लिए यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा कमने का चांसेस बन के आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा इससे अच्छा आप कोई इन्फोटेक टेक्निकल लाइन का कोई भी शेयर आप देख सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये तो मेरा सिर्फ आपको जानकारी देना काम था, बाकी जो डिसीजन लेना है वो आपको खुद लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ कैसे क्या हो सकता है, अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, सिर्फ मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ, आपका डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से आपका जो डिसीजन है वो लेने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे ये जो शेयर है वो सही है या फिर गलत, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो शेयर बाउंस बैक कर रहा है, ये जो शेयर है कब तक यहाँ पे हमें अपर सर्किट देखने को मिलेगा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं पिछला जो यहाँ पे हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था वो 2.40 रुपये तक गया था। तो ये जो शेयर है अभी तक तो यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं 2.40 रुपये तक ये भी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एग्जैक्ट 100% कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पे अनुमानिक जो आ रहा है हमारे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी तक जो 2.40 रुपये जाने का चांसेस बन के आ रहा है। फिर से क्या होगा, फिर से जब न्यूज़ आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें डाउन सर्किट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी का टारगेट आप 2.40 रुपये मान के चल सकते हैं। और यहाँ पे 52-week high की अगर हम बात करें तो 52-week high अभी बहुत दिनों के बाद हमें देखने को मिलेगा, अभी बहुत सारा टाइम लगेगा ये 52-week high जो है वो क्रॉस करने में, 4.05 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 4.05 रुपये क्रॉस करने में अभी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है।
तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिला होगा। अगर हेल्प मिला है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस से भरी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।